यार मैं ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। बस मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे चैनल के ऊपर YouTube कंप्यूटिंग गाइडलाइन स्ट्राइक पर गया। और आपको मालूम ही होगा, अगर चैनल के ऊपर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाते हैं तो वह चैनल हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाता है। और आखिर मैंने वह कौन सी गलती की जिसकी वजह से मेरे चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक पर गया, वह सब आपको आगे पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। दरअसल मेरे को 18 अगस्त को एक मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि वी रिसीव्ड अ कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट फॉर योर वीडियो बेस्ड ऑन एप्लीकेबल कॉपीराइट लॉ, वी रिमूव्ड योर वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। इसका मतलब होता है कि ही में आपके वीडियो के लिए कॉपीराइट निष्कासन अनुरोध प्राप्त, लागू कॉपीराइट कानून के आधार पर हमने आपका वीडियो YouTube से हटा दिया है। आखिर मेरे को ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों मिला, चलो आपको बता दे। दरअसल मैं एक डेंजरस टाइटल लिख दिया था जो कि YouTube का कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ, तो इस वजह से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया। वो टाइटल तो अब मैं YouTube पर नहीं दिखा सकता, पर अगर आपको वो टाइटल देखना है तो मेरे को इंस्टा पर फॉलो कर, कि मैं वहां पर आपको टाइटल दिखा, लिंक बायो में मिल जाएगा। हेयर जो होना था हो गया, आप ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। और जिस दिन मेरे को ये कॉपीराइट स्ट्राइक मिला उसे दिन तो मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, पर किसी तरीके से मैं खुद को मोटिवेट किया, फिर से YouTube पर काम करने लग गया। और कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने की वजह से हमारा चैनल अभी बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है। तो मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आज से मेरे जितने भी वीडियो आएंगे उन सभी को लाइक करके 2-3 बार देख लेना। ये काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा छोटा है, पर इसे अपने चैनल को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिले। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट भी जरूर से कर दो।